दर्शकों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गांव सिणंद में और मेरे साथ में बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर हैं हमारे प्रेम, जो प्रेम जी का फील्ड है ये आप देख सकते हो। और यहां पर हमने 7 अक्टूबर को डायरेक्ट बीज लगवाया था ब्रोकली का, 7 अक्टूबर को लगाया था प्रेम जी। आजी आजी। तो इसमें कुलदीप भाई और प्रेम जी आप हैं, तो कितनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी मेहनत का तो निकाल ना, ना, कोई नहीं, मेहनत का नहीं। लगभग 11,500 सीड इसमें लगा था और अभी आप देख सकते हो आज इसकी पहली अभी जो हार्वेस्टिंग है ये अभी स्टार्ट होने जा रही है। और मैं अब आपको, बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिसको ब्रोकली फर्स्ट टाइम लगाई है, तो मैं उनके लिए जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको जो ब्रोकली की जो कटिंग है वो किस प्रकार आपने करनी है, उसकी हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। तो मैं कुलदीप जी से निवेदन करूँगा थोड़ा आगे आए और पौधे के थोड़ा नज़दीक लेके आए इसको कैमरे को, ताकि अच्छे से। ये आपका सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो 500 से 700 ग्राम के बीच में आपका जो है वज़न होना चाहिए ब्रोकली के, जो होती है एक का, एक जो फूल का वज़न है 500 से 700 ग्राम के बीच में अगर आपका होता है तो आप इसको तोड़ सकते हो। जितना बड़ा साइज़ आप करोगे तो इसकी जो है फ्रूट का जो क्वालिटी है वो डिसऑर्डर होकर चली जाएगी और अच्छा फ्रूट नहीं बन पाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये इसकी कटिंग बताता हूँ कि मैक्सिमम आपको एक या दो जो साइड में जो साइड ब्रांच होती है इसको ऐसे कटिंग करके, और आपने इसको यहाँ से ऐसे कटिंग करनी है। और उसके बाद आपने ये देख लिया, ये पूरे का पूरा स्पेस आ गया, तो उसके बाद आपने ये जो चीज़ें हैं, जो इसकी पत्ते हैं साइड के जो बड़े पत्ते हैं वो आपने ऐसे कटिंग कर देनी है। तो ये हो गया, ये ब्रोकली का बिल्कुल आप कंप्लीट है। और ऐसे ही आपने ये नीचे से कटिंग करनी है चारों तरफ आपने ये चीज़ है, क्योंकि मेनली जो वेट होता है वो इसमें होता है। और जो ये मैंने पत्तियाँ जो छोड़ी हैं बीच में वो आप इसको ऐसे करके आप इसको पैकिंग करोगे, ताकि इसकी जो क्वालिटी है वो ट्रांसपोर्टेशन में इसकी क्वालिटी ना बिगड़े और ये फ्रूट डिसऑर्डर ना हो। और ऐसे ही आपकी ये कटिंग करनी होती है। और मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि आप, कितना अच्छा फील्ड लगा हुआ है और कितनी अच्छी मेहनत ब्रोकली में कर रखी है। और इसका बाज़ार भाव अभी देखते हैं मार्केट में कितना है। मैं ये चाहूँगा कि आप जो धान लगाते हो उसके तो बहुत 10 कदम आगे जाके ये क्रॉप हो सकती है। और ये कोई नई नहीं है, बहुत से लोग हैं इसको जो शहर में इसकी सबसे अच्छी डिमांड होती है। लोकल में कहते हैं कि ब्रोकली नहीं होती, तो ये करिश्मा है जो ये मेहनत है प्रेम जी की, उन्होंने ये करके दिखाया है और इतना स्ट्रगल का नहीं है। तो मैं प्रेम जी से चाहूँगा इस फसल के बारे में थोड़ा सा बताएँ कि कोई ज़्यादा मेहनत का काम है या नहीं है किसी, और आपने कैसा इसको अनुभव कैसा रहा है आपका? ठीक है जी, इसमें कोई ज़्यादा दवाई दुई की भी नहीं, जैसे सुंडी आती है कि वो कोरोजन दवाई हो जाए, कोई ज़्यादा इसमें को नहीं है जी। और ज़्यादा मतलब कोई इसमें वो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि आप भी अपने फील्ड में, चाहे बेसक से अपने खाने के लिए घर के लिए इसको लगाएं, और जब कमर्शियल में आप आओगे तो ऐसे ही आपने पूरा एक कड़ाई से भी आप इसको कर सकते हो और प्रेम जी से इसका अनुभव भी आप ले सकते हो। तो सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रेम जी का धन्यवाद जिन्होंने इस वैरायटी को बड़े अच्छे से यहाँ पर तैयार किया। और फर्स्ट टाइम प्रेम जी को मैंने लगवाई थी ये, और आज आप देख सकते हो जो इसका फ्रूट है, जो फूल है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। yeah.